अल्हम्दुलिल्लाह, आज 17 नवंबर बरोज जुमरात बाद नमाज मगरिब अंजुमन संजरी सरकार एजुकेशनल सोसाइटी बिलखसूस खानकाह फ़करिया कादरिया चिश्तिया की जानिब से, जो फार्मेसी कॉलेज संजरी नगर में वाक़ है, जिसके बानी सूफ़ी फ़खरुद्दीन चिश्ती साहब, जिन्हें हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत अलैहिमत रिदवान ने फ़िदाए ख्वाजा के अलकाबात से नवाजा था, उन्हीं की खिदमात का ये एक प्रोग्राम है कि उन्होंने शहर मालेगांव से 11 सूफिया को, ऐसे 11 सूफिया जो आवामी खिदमत अहले सूफिया अहले सिलसिला की मुनासबत से करते हैं, और वो खिदमत की बिना पर उनके एहतराफ में उन्होंने इस इस्तकबालिया प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा कामयाब रहा। इन्हीं के इलाके में संजरी नगर में एक नौजवानों की टीम, जो शान आला हज़रत मदरसे की बुनियाद रखी, उनके अराकीन उनके इंतज़ामिया का भी उन्होंने हौसला अफजा इस्तकबाल किया, और उस मदरसे में जो इस इलाके में सुन्नियत के नाम पे काम करने वाले हाफिज़ आसिफ साहब का शायान शान इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में तमाम सूफिया इकराम ने, वो सूफिया इकराम जिनको दावत दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को कामयाबी बख्शी। मैं दुआ गो हूँ अंजुमन संजरी सरकार एजुकेशनल सोसाइटी को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और बसिलसिले सरकार गौसुल आज़म के ये प्रोग्राम रहा, सरकार गौसुल आज़म की ख़ास निगाह अता फरमाए, और इस बस्ती पे जिस तरीके से वो तसव्वुफ़ और सूफिया के नाम पे काम करना चाहते हैं, सरकार गौसुल आज़म उनको कामयाबी अता फरमाए। असल में ये महफिल जिनके नाम से मंसूब है, उन्हीं की एक निस्बती करी है फार्मेसी कॉलेज के पीछे जो कि तकरीन सहारा है। अंजुमन संजरी सरकार एजुकेशनल सोसाइटी की बात का ये प्रोग्राम है, जो सिलसिले जब सोचे साहब का खिलाफत थी, मुझे याद है छठी शरीफ गरीब नवाज की छठी शरीफ के प्रोग्राम था, आपने फरमाया था खिदमत खल्क में सोफी तकमतीन साहब का तलब मुकाम है, और मैं इन्हें खिलाफत इस बुनियाद पर दे रहा हूँ कि इनका मिजाज खानकाई के उस मिजाज से मिलता है जहाँ पे खिदमत करना सबसे अहम मुकाम है। इसके बाद से हम सूफी फखरुद्दीन साहब को देख रहे हैं कि उन्होंने जो सूफी मिल्लत की सरसरस पे हासिल करते हुए, जब मौका रहा जिस तरीके का माहौल रहा, उन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। गुज़िश्ता दिन यहाँ पर इस्तेफालिया प्रोग्राम रखा, इससे चंद रोज पहले दरगाजा मासूम शाह चट्टी को उन्होंने मुलाकात कर लिया आए थे, कहा था कि मुझे हर महीना कुछ न कुछ प्रोग्राम करना है, तो हम दोनों का मशवरा हुआ था इंशाअल्लाह जैसा जो माहौल है हम वो प्रोग्राम करेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि आज का प्रोग्राम यकीनन सूफिया का इस्तकबाल तो है, मगर उस इंतजामिया का इस्तकबाल पर मुझे ज़्यादा खुशी है कि जिनके लिए गुज़िश्ता दिन पहले मैं उस मामले में था, उस नौजवानों को देखा था और मैंने कहा था कि अपनी शख्सियत बनवाओ, अपने ग्रुप की शान बनवाओ। इस मस्जिद के ताल्लुक से आज भी मेरा बोलना वही है कि इस मस्जिद में अपना हिस्सा रखे, मदरसा सा बुनियाद है रहेगी, मगर उस मस्जिद में भी आपका हिस्सा रहना चाहिए, मगर अगर वो ग्रुप अपनी शान अपनी शख्सियत बनवाते हुए
जिस ऑफिस का इंतखाब किया, जिस इमाम का इंतखाब किया, तो उस शख्स ने इस इलाके में सुन्नत को उस तरीके से फरोग दिया। इससे पहले इस इलाके में किसी ने सुन्नत को इस तरीके से फरोग नहीं दी। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर सुन्नत के ताल्लुक से इस तरीके से मेहनत करने वाला वो हाफिज़ कुरान यकीनन वो काबिलियत का माहिर इसलिए है कि उनके उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुल हसन इस्माइल साहब अल्लाह जो पूरी हिंदुस्तान में इल्म के नाम पे जाने पहचाने जा रहे हैं। उनकी तकरीरें, उनकी तहकीकें, उनके मुतालियात हिंदुस्तान में कई लाइब्रेरियों के रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। वो सुन्नत का एक साधन तो इस इलाके में सुन्नत के नाम पर बेइंतहा खिदमत कर रहे हैं। उन्हीं को लेकर शान आला हज़रत और इस्लाम से मंसूब किया, जिससे पूरी दुनिया किसी भी नुक्ते पर, पूरे मज़मून पर नहीं, पूरे लफ्ज पर नहीं, किसी भी नुक्ते पर अगर तहकीक कोई करता है वो शान आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी के मुताले में करता है। उन्हीं के नाम से ये मंसूब इस अदारे को अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि ये नौजवान जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है सरकार रसूल आजम के सच्चे इनकी सोच से ज्यादा उनको अता फरमाए और इसमें गैब से मदद फरमाए। और ये सूफिया जो सूफिया का आज इस्तकबाल है, मेरे बाजू में सूफी मोहम्मद रमजान चिश्ती साहब शहर में एक ऐसा वाहिद नाम है जो शहर में संगल का एक अलग रस्म व रिवाज खानकाही रहता है, मगर एक अलग रौनक के साथ शहर है उर्स की बुनियाद डाली। यकीनन इनके ऊपर सूफी मोहम्मद इस्माइल चिश्ती साहब का साया है, मगर एक ऐसा संगल, एक ऐसा उर्स, एक ऐसे औलिया का जश्न की बुनियाद डाली। और इनकी खानकाह में मैंने गया भी हूं, बेहिसाब खिदमत करते हैं और मुखैर बहुत ऐसी शख्सियत है कि अगर मुतालबा लेकर कोई भी शख्स जाए तो उसकी सोच से ज्यादा वो आप आउन करते हैं। उसी बिना नाम का इस्तकबाल है जानकारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब, जिनके ताल्लुक से कई मुखालफतें हुजूर सूफी मिल्लत के पास जाया करते थे। वो कहते थे मेरा दीवाना ऐसा ही सही, ये भी उनका एक तारीफ है। दूसरी जब प्रेम को की सरजमीन पर कारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब को सूफी गुलाम रसूल साहब ने जब लगाया, मुझे याद पड़ता है उनके बताने के मुताबिक कुछ रुचिया तनख्वाह महीने की रात करते थे। उस बुनियाद पर जो सूफी मिल्लत ने उनको वहाँ पर कारी बनाकर इमामत के लिए लगाया, आज प्रेम को की सरजमीन पर मौलाना मोहम्मद यूसुफ चिश्ती ब्रांड बन चुके हैं। मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को नहीं, सब बिरादरी में एक ब्रांड के तौर पर बन चुकी है। और मसलन सूफिया अपने इलाके में नहीं, गैर के इलाके में वो खिदमत कर रहे हैं, अब बेपनाह खिदमत करते हैं। उन्हीं का भी ऐसा ही मामला है कि मुखैर इतने हैं कि जो मुतालबा कोई भी लेके जाए उससे सोच से ज्यादा अता करते हैं। दूसरे सूफी अब्दुल खालिद चिश्ती साहब, ये सोसाइटी में आप बड़े मुकाम पर भी है जनता बिरादरी की, मगर उसके बावजूद अहले सूफिया का तसव्वुफ पर आपकी बड़ी निगाह रहती है, खानकाही मिजाज रखते हैं, सूफी मिल्लत आपके बहुत सारे इरशादात पे अमल भी करते हैं। और मैं देखता हूँ जब भी सिलसिले का या तंजीम का कोई प्रोग्राम रहता है तो आप ऐसे भी तबीयत में है, आप तशरीफ जरूर लाते हैं। उनके बाजू में नाज़िर आला सूफी जमील कादरी टेलर साहब, ये ऐसी शख्सियत है कि मेरे दादा अब्दुल जब्बार रज़वी साहब के साथ इनका साथ शुरू हुआ और अलहम्दुलिल्लाह आज ये साथ मुझ तक पहुँचा और बेपनाह खिदमतें हैं इनकी। नाज़िर आला अपना नाबीनाओं के मदरसे के नाज़िर आला दरगाह हज़रत मासूम शाह चिश्ती के निज़ाम और और भी बहुत सारी तमाम प्रश्न तमाम अदारे में आप जिम्मेदार भी हैं, बिलखसूस बिना नाबीनाओं के मदरसे में आपकी बड़ी खिदमत है। और इस जानिब जो है
शेख मोहम्मद कासिम चिश्ती साहब हैं, जब तक केंद्र में आप सर्वर हैं उसके बावजूद भी सिलसिले का एक प्रभाव हुजूर सूफी अमीर अली मंदिर के द्वार पर दिया 11वीं शरीफ की निस्बत से आज भी वो प्रोग्राम जारी उसारी है। हालांकि जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस आंगन में रहते हैं, वहाँ पर उस तरीके का प्रोग्राम कोई कर नहीं सकता है। और राजा जिस बिरादरी में भी रहते हैं, उस बिरादरी में भी इस तरीके का प्रोग्राम में इतनी ऊंचा उठ के कोई सिलसिले का काम कर नहीं सकता है। मगर सूफी मोहम्मद कासिम चिश्ती साहब वो इमाम है कि हुजूर सूफी मिल्लत के एक ऐलान पर वो हर साल 11वीं शरीफ की नियाज महफिल समा आप करते हैं। इस साल भी कुछ प्रॉब्लम आने के बाद प्रोग्राम आगे पीछे हुआ, मगर वो प्रोग्राम हो रहा है। तो अहले सूफिया ने जो काम हमको सूफी मिल्लत ने दिया उसे बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं। उसके बाजू में सूफी इरफान बाबा कुरैशी साहब आ रहे हैं। यह शख्सियत ऐसी है तो मैंने जैसे कहा कि सूफी रमजान चिश्ती साहब जश्न औलिया के नाम पे शहर में इनका कोई मुकाबला नहीं, और उनसे गौ से बात पे सूफी इरफान बाबा का कोई मुकाबला नहीं। ऐसा दीवाना, ऐसा कलंदर सिर्फ जब आए दो आलम, कभी कोई मुतालबा मैंने सुना ही नहीं। मैं घोड़े का पैसा, बक्की का पैसा, ढोल का पैसा, बैनर का पैसा, कुछ कुछ वो शख्स को एक भूल है कि मुझे 11वीं शरीफ के महीने में प्रोग्राम करने, वो साल भर मेहनत करके शहर में सबसे बड़ा सरकार वसूल आजम का सिंबल निकाल जाए। उसके बावजूद उनकी खिदमतें सिलसिले के काम में बेपना काम करते हैं, खानका चलाते हैं, अवामी खिदमत करते हैं, महीने में सोशल वर्कर काम भी करते हैं, बेपना सिलसिले का काम करने वाली सूफी कलीम साधन साहब, सूफी कलीम साधन साहब और सूफी कासिम चिश्ती साहब ये दोनों ऐसी शख्सियत है जो सूफी मिल्लत ने जितना दरगाह मासूम शाह पुट्टी पे इन दोनों को अता किया है, मुझे नहीं लगता कि मुझे भी अता किया। बहरहाल इन लोगों ने उस पर अमल बन गया, आगे बढ़ा दिया, बहुत सारे अमल बन गया, जौन सी रात आई, जौन से अमल आए, जिस तरीके से सिखा सकते थे हुजूर सूफी मिल्लत ने दोनों शख्सियतों को सिखाया और उस पर अमल भी करते। सूफी कलीम साहब एक बहुत एक्टिव मेंबर है जिस सोसाइटी जिस अंजुमन में रहे। मेरा एक प्रोग्राम उनके लिए है, मैंने उनको बता रखा है इंशाल्लाह मखदूम साजी एकेडमी, ये बड़ा प्रोग्राम है, आवामी अफराद की कुवत कम हो सकती है मगर बड़ा प्रोग्राम इसकी लाजमत से है कि शहंशाह औलिया के नाम से एक बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह उनके लिए करने वाला हूँ कि मखदूम साजी एकेडमी इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन शुदा रहा हूँ और उसके सत्र वार इंशाल्लाह रहेंगे। मैं इन जिस सिलसिले के काम हुजूर सूफी मिल्लत अलैहि मतलब ने छोड़ा है मैं किसी न किसी के सुपुर्द तो कर रहा हूँ। अंजुमन शहदाए सूफी मिल्लत के ताल्लुक से मेरी कानूनी कार्रवाई चालू है, तो ये सब प्रोग्राम मेरा एक ऑर्गेनाइज रहेगा जिसकी बॉडी बनाने की कोशिश जारी है, रजिस्ट्रेशन से उसका इंशाल्लाह जारी है ये सिलसिला में। और बिलखसूस सोशल वर्कर किसी भी तंजीम में रहे, जिस तंजीम में बुलाओ फोन लगाते और काम करते हैं, सूफी अब्दुल माजिद कादरी साहब, सूफी अनीस अहमद कादरी साहब को चाहिए खलीफा और बेपनाह मुर्शिद पर जान लिटाने वाला मैं उनको देखा है। अहले सिलसिला के काम में, तंजीमी काम में, आवामी काम में जब उन्हें बुलाओ नहीं सूफी अनीस कादरी साहब आ पाते, आप जरूर तशरीफ लाते। उसके बाद में कैसे शख्सियत है जो शमसुल औलिया मालदा सिवा में आप फायदे से ज्यादा है, वहाँ का अस्ताना गुंजान आबादी ऐसी आबादी है जहाँ पे चुनिंदा लोग रहते हैं और वो भी लोग ऐसे रहते हैं जो अहले सिलसिला में, मगर वहाँ पर आप मेहनत कर जो भी आपके प्रॉब्लम आए जो भी, मगर उसके बाद भी सिलसिले शमसुल औलिया का काम आप कर रहे हैं, गुंबद मीनार का अभी काम जारी है। मेरी मालूमात में सूफी मुख्तार शमसी साहब जो है इनके रुख के साथ एक बड़ी बड़ी बनाकर और सिलसिला शमसुल औलिया का एक बड़ा प्रोग्राम वो भी सालाना कर, तो ऐसे जिनकी भी शख्सियतों का आज एहतियात किया जा रहा है। यकीनन मैंने कहा कि ये अफराधी कुवत में कम हो सकती है, मगर आप यकीन करें आपका इस्तेमाल शान औलिया हुजूर सरकार का
दस्तगीर भी है, नामे नामी इसमें ग्यारह से मंसूब प्रोग्राम में किया जा रहा है, तो सरकार वसूल आजम की निगाह है इस प्रोग्राम पे आवामी कैफियत कम हो सकती है, मगर जिसकी निगाह है वो शाने औलिया शहनशाह औलिया सरकार वसूल आजम दस्तगीर है। तो ये प्रोग्राम यकीनन उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अंजुमन सुंदरी सरकार एजुकेशनल सोसाइटी हुजूर सूफी मीर रिजवान के मशवरे पर आपने बुनियादी तालीम सोसाइटी का काम होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी प्रोसीजर उसका भी आगे जारी है। तो सब तरीके से हर तरीके से फखरुद्दीन साहब आवामी खिदमत करते रहते हैं, करते रहने के बावजूद आप आवामी खिदमत करने वालों के साथ भी रहते हैं। दो नाम मेरी से छूट गया, मेरी अभी नजर गई सूफी फैयाज कादरी साहब, आज इस्तकबाल है ये शख्सियत है सैयद सलीम नगर के इलाके में अहले सूफिया का काम करते हैं, हर वो जिनके आशिक है मुरीद है, मालेगांव में बड़े बड़े घराने के लोग लोगों की मुखालफत करते हैं, मगर सूफी गुलाम रसूल कादरी के विद्वान का ये मनसब रहा। जब इंतखाब हुसैन खदीरी साहब मालेगांव में आखिरी मरतबा तशरीफ लाए तो मेरी मुलाकात के लिए ले गए, कहा कि ये मेरा बच्चा है दुआ कर दो। तो मेरे वालिद ने कहा था कोई गांव में कुछ भी कहे मगर सुन्नियत को मालेगांव में उरूज पिलाने वाला यही शख्स इंतखाब हुसैन खदीरी, उनके मुरीदों का लिफा सूफी फैयाज खदीरी साहब सिलसिले कदीरिया का काम सलीम नगर में करते हैं, और कोई सियासी पार्टी से मुंसलिक भी है उसके साथ सोशल वर्क का काम भी करते हैं, सियासी पार्टी से मुंसलिक है तो सोशल वर्क का काम करना ही है मरता, ये वो एक शख्स है सूफी मोहम्मद हुसैन साहब उन्हें सूफी मिलक का वो दौर हो फातिमा मस्जिद हाजी अहमदपुरा जब हुजूर सूफी मिलक वहाँ पे आप रहा करते थे, आज भी इंशाअल्लाह मेरा उसकी तैयारी है करेंगे मुकम्मल तैयारी के साथ, मगर सूफी हुसैन साजन साहब एक ऐसी शख्सियत है फातिमा मस्जिद जो रमजान उस दौर में जिस दौर में लोग चप्पल पहन कर नहीं जा सकते थे चप्पल हाथ में लेकर जाते थे, उस दौर में फातिमा मस्जिद में हुजूर सूफी मिलक ने भूख भूख पर आ रहा था उनके बाजू में घर बना कर आ रहा था, सूफी हुसैन साजन साहब जब से सिलसिले का काम आते हैं हुजूर सूफी मिलक साहब के खलीफा है उनकी भी एक इंफरादियत है, उनके घराना भी पूरा सिलसिले साजिया से मुरीद है, उनका पूरा घराना सिलसिले साजिया का काम करता है, जितने लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल है सब इंफरादी शख्सियत है, सब अपने अपने हल्के में एक जो मुकाम रखते हैं और एक काम ऐसा करते हैं जिसको सूफी फखरुद्दीन साहब ने इधर रहकर फार्मेसी कॉलेज के पीछे रहकर संजय नगर में रहकर शहर वाले गाँव में ऐसे ग्यारह अफराद को देखा जिनका ऐसा इस्तकबाल आज है। दरगाह की से उनका शुक्रिया इसलिए अदा किया जाता है कि आपने वो प्रोग्राम दिया जो शहर है बड़े से लेकर छोटा आदमी नहीं देगा, ये बहुत बहुत अहमियत का प्रोग्राम है, मेरी दुआ है सरकार रसूल आजम दस्तगीर के सबसे ये 11 मशाइख को अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब तरक्की अता फरमाए, और जो नौजवान जो इंतजामिया है शान आला हज़रत मदरसे के मौला करीम उनके लिए बेपनाह मुझे खुशी है कि शहर मालेगांव में मैंने कैसी भी पंचायत की जिसका रिजल्ट मुझे आज दिख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बेपनाह दुआ है कि नौजवान खूब तरक्की करे और इनके मंसूबे में जब जहां हमारी तंजीम मेरी या मेरे अराकीन की जरूरत पड़ेगी आप आधी रात को बुलाना इंशाअल्लाह आपके लिए जरूर तशरीफ लाएंगे। आखिर में अंजुमन सुंदरी सरकार एजुकेशनल सोसाइटी की शुक्रिया के साथ आप तमाम हजरात आए दुआ है रहमत कदीर आप तमाम हजरात की हाजिर हुजूर को सरकार रसूल आजम दस्तगीर की बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए व अलैना व अलैकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।